शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास की कथा का नौवां अध्याय। बंधुओं, माघ मास में माघ मास महात्म की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, जिस प्रकार माघ मास में स्नान का महत्व है, उसी प्रकार माघ मास महात्म की कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ओम श्री गणेशाय नमः। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीरथ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वे बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होते। सत्यवादी मौन रहने वाला मीठा बोलने वाला क्षमाशील नीतिवान किसी की निंदा ना करने वाला सब प्राणियों पर दया करने वाला पराये गुणों का वर्णन करने वाला पराये धन को तृण के समान समझने वाला ऐसे लोग नरक में नहीं जाते। बंधुओं, कहा जाता है कि माघ मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। बंधुओं, माघ मास में गंगा जी और यमुना जी का भी बहुत अधिक महत्व रखता है। कहा जाता है, जो माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है और साथ ही 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। बंधुओं, हर मनुष्य को माघ मास स्नान तो करना ही चाहिए,
साथ ही जो भी उनकी समर्था हो कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, माघ मास में ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता जो मनुष्य माघ मास में स्नान कर लेते हैं। सो बंधुओं, घर बैठकर यदि आपको इतने पुण्य की प्राप्ति होती है तो माघ मास में स्नान क्यों ना किया जाए। बंधुओं, माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, माघ मास में शालिग्राम जी का पूजन भी अवश्य करें। बंधुओं, कहा जाता है जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। बंधुओं, मनुष्य से मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप हो जाते हैं, परंतु माघ मास में भगवान का स्मरण करने, भगवान को प्रणाम करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।